Are we live? Yes, 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 we are. All right, all right. Good evening, everyone. Good evening. Oh, very good evening. How are you all? Sorry, बाल थोड़े से खराब हो गए थे. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. कैसे हैं आप सब? All good, all well. Yes, 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 yes. तो नया दिन नया chapter. Are you ready for chapter number 8? Come on everyone, let me know in the chat box quickly. Are you ready for chapter 8? Chapter 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया. क्या बात कर रहे हो दीदी? सिर्फ 4 chapters बचे हुए हैं हमारे. चलिए ठीक है. I hope आप सब बढ़िया है. A very good evening and a warm welcome to our channel, to our CS Cart India channel. Welcome to Business Communication class. We are starting with chapter number 8, that is common business terminologies. ये chapter के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने class चालू ही की थी कि business communication के अंदर तीन जो chapters है, chapter 1, 2 and 3, those are grammar and English based chapters. 4, 5, 6, 7 ये बिजनेस कम्युनिकेशन बेस्ड चैप्टर्स है. और जो चैप्टर नंबर 8 है ना यार, ये इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि क्या बताऊँ आपको. ये चैप्टर के अंदर आपको पता है क्या दिया है? ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं जो जिसका मीनिंग आपको साथ साथ में दिया है, जो आप बिजनेस कम्युनिकेशन में या लीगल एप्टीट्यूड में या 11th 12th में कभी ना कभी सुने होंगे. यस, ये वाले चैप्टर का वेटेज आई थिंक इज फॉर 2 to 3 मार्क्स मैक्सिमम. दिस चैप्टर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो आपने यहाँ क्या करना है, हम लोग यहाँ पे स्मार्ट स्टडीज करने वाले हैं. ऑब्वियसली आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जो ये पेपर है ये कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है. 50 में से ऐसे मान के चलते अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ये चैप्टर से आते हैं तो मैं सिर्फ आपको वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कराऊंगी. मतलब जितना मैं कराती हूँ उतना सफिशिएंट है, ठीक है? अगर अगर भरोसा नहीं है तो हमारे पिछले जिन्होंने अभी अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपनी एग्जाम्स नवम्बर में दी थी उनसे पूछ लीजिएगा, दे वुड डेफिनेटली अग्री. जस्ट नाउ श्वेता इज अग्रीइंग. थैंक यू सो मच. चलिए फिर शुरुआत करते हैं कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के साथ. तो उसके पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार. क्यों आपने अभी तक लाइक नहीं किया है? 30 लाइक और वॉचिंग ट्रिपल द वॉचिंग, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई. थैंक यू सो मच मायंक. जल्दी से लाइक कर दो वीडियो. अगर आपको सीएस कार्ट इंडिया की पूरी की टीम के एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कहाँ है भैया? उसके बिना तो मैं चैप्टर ही चालू नहीं करती हूँ, आपको तो पता है. लड़कियों को लाइक्स चाहिए होती है, पता है ना? सारी लड़कियां जितनी भी है सब अग्री करेगी. हमने अगर फोटो डाला है तो लाइक तो उसके ऊपर आने ही चाहिए. तो अगर हम पढ़ा रहे हैं और लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं आपके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक तो करना ही पड़ेगा. यस, चलिए फिर शुड वी स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजी, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? ये जो शब्द है टर्मिनोलॉजी, बिजनेस टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब है जब कोई भी इसमें हम कोई स्पेसिफिक वर्ड को मेंशन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म. सपोज मैंने बोला असेट,
असेट को एक स्पेसिफिक मतलब दिया हुआ है. कोई भी चीज को आप असेट नहीं बुलाते हो, उसका एक मीनिंग है. यस यस, तो बस ताकि बिजनेस में कंफ्यूजन ना हो, बिजनेसेस में कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लैरिटी रहे, इसीलिए आपको कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो सिखाए जाते हैं, जो कि कॉमन माने जाते हैं बिजनेस के अंदर. दीज आर टर्म्ड एज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज एंड हेंस द चैप्टर्स नेम. सो लेट्स स्टार्ट विद अ 10 बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ज्यादातर अगर क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो ये 10 में से ही पूछने वाले हैं. ये 10 अच्छे से कर लो, बस हो गया ये चैप्टर के लिए. दीज 10 टर्म्स आर इम्पोर्टेंट. यूजुअली ये 10 टर्म्स में से एक आध दो तीन टर्म्स ही पूछे जाते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज मैनेजमेंट. दैट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब ऐसे लोग. मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आप बिजनेस मैनेजमेंट करते हो वो नहीं. मैनेजमेंट का मतलब है ऐसे लोग जो बिजनेस रन करने के इंचार्ज होते हैं. मतलब इन्हें हमारा जो बिजनेस है वो चलाने की जिम्मेवारी दी जाती है. सो मैनेजमेंट आर दोस पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस. उन्हें क्या करना होता है? उन्हें हमारा जो बिजनेस है वो संभालना है, ये देखना है कि कैसे इसको और अच्छे से चलाना है, वगैरह वगैरह. यस यस, क्या आपको समझ आया? सो व्हाट इज मैनेजमेंट? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. मैनेजमेंट आर पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस. जैसे हमने हमारे क्लास के अंदर एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया. शी इज इन चार्ज ऑफ लुकिंग ओवर कि कोई बातें तो नहीं कर रहा है, कोई चैट तो नहीं कर रहा है. अपनी मॉनिटर कौन है? आज आई नहीं है क्या मॉनिटर? ओके, तो जैसे अपन ने यहाँ मॉनिटर अपॉइंट कर दिया सो दैट वो ओवरऑल क्लास का ध्यान रख सके, वैसे ही हम मैनेजमेंट रखते हैं सो दैट हमारा जो बिजनेस है वो रन कर सके. यस ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बिजनेस. इसमें से ये पूरे के पूरे क्लास में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुझे बिजनेस क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं है? दीदी हम पैदा होते हैं ना तब से हमको बिजनेस सिखाया जाता है, तब से हमें धंधा क्या होता है ये सिखाया जाता है. बिजनेस द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग फिनेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स. बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पर आप किसी को गुड्स देते हो, किसी से लेते हो, किसी को सर्विस देते हो, किसी से सर्विस लेते हो, जिसमें फिनेंशियल या कमर्शियल गेन इन्वॉल्व्ड होता है. यस और नो? क्या आपको समझ आया बिजनेस क्या है? यस, हाई फाइव. सो बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेस. धंधा कैसे करना है, धंधा क्या है, ये तो दीदी हमें बचपन से पता है. नथिंग न्यू फॉर अस. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्केटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? ये एक ऐसा कमर्शियल प्रोसेस होता है जहां पर जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको आप और प्रमोट करते हो. सपोज मैंने ना मैंने ये पेन बनाई है, नहीं पेन नहीं, मैंने ना ये बॉटल बनाई है. तो अब मैं ये बॉटल को प्रमोट करती हूँ. मैं ना ये बॉटल पता है किसको भेजती हूँ? मैं कैटरीना कैफ को भेजती हूँ, रणबीर कपूर को भेजती हूँ, आलिया भट्ट को भेजती हूँ, और उनको बोलती हूँ कि आप ना मेरी ये बॉटल का प्रमोशन करो. भले ही आपको 1 करोड़ रुपये लग जाए, उससे भी महंगी तो मेरी बॉटल है, तो आप एक काम करो, आप क्या करो, मेरी बॉटल का प्रमोशन करो. ऐसा बढ़िया पानी पियो और उसका एड बना के आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारी जगह डालो. इस तरह से एड करो, ऐसा बता रही हूं मैं कि वाह क्या मीठा पानी है, वाह बॉटल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, क्या कलर है बॉटल का, वाह वाह. Yes, ऐसा सबको बताओ. तो ये जो प्रोसेस है, और इसके बदले में मैं आपको
पैसा दूंगी। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है? इसे मार्केटिंग कहा जाता है। सो द कमर्शियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। जैसे कि अर्बन क्लैप आपने सुना होगा, या फिर स्विगी, जोमैटो, डोमिनोज, ये सारे काफी पैसा खर्च करते हैं अपने प्रमोशन में। यस ओके ओके दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस आर टेकन आउट। प्रॉफिट का मतलब है ऐसा पैसा। कैसा पैसा? ऐसा पैसा जितने भी आपके खर्चे हुए हैं उसको माइनस कर दो तो जो बच गया वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट है। सपोज आपको मिली है पॉकेट मनी 1000 रुपए की। माय गॉड, हमारे टाइम पे ना 100-100 रुपए दिया करते थे पॉकेट मनी में, ठीक है? तो 1000 रुपए क्या आपकी पॉकेट मनी है? लिख लेते हैं यहाँ पे। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? जिन्होंने लास्ट वीडियो में कॉमेंट किया था, वन सेकेंड, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रितिका। तो रितिका के पास थे 1000 रुपए, फिर उनको मेकअप कराना पड़ा, उनको थोड़ा मेकअप खरीदना था, उसमें उनके 200 रुपए चले गए। फिर उसके बाद उनको उनके फ्रेंड के साथ कॉफी पे जाना था, डेट नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कॉफी बोल रही हूँ। वहां उनको लग गए 400 रुपए। ऐसी वैसी जगह थोड़ी, अच्छी जगह गए वो। और फिर लास्ट में उनको थोड़ा ट्रैवलिंग का भी लग गया। यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लग गया, तो वो था उनका 10 रुपए। चलो 100 कर देते हैं, 100 रुपए। कितने बचे? 300 रुपीज बच गए। बस यही क्या है इनका? यही इनका प्रॉफिट है। यस, यस और नो? ओके ओके, क्या प्रॉफिट क्या होता है ये आपको समझ आ गया? जितनी भी आपकी इनकम है उसके अंदर से अगर आप आपके एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, दैट द अमाउंट दैट इज लेफ्ट इज योर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज टेलीकम्यूटिंग। टेलीकम्यूटिंग क्या होता है? अभी तो हमने हमारे इतने सारे भाई बंधुओं को देखा है क्या वर्क फ्रॉम होम करते हुए। किसी को भी पूछो कि कैसा चल रहा है, वो बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम है। क्या बात, क्या बात। यस, तो टेलीकम्यूटिंग का क्या मतलब है? टेलीकम्यूटिंग का मतलब है जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, यूजुअली एक कंप्यूटर के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? उसे टेलीकम्यूटिंग कहा जाता है अच्छे शब्दों में। जैसे हम अभी बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है, व्हाट इज इट एक्चुअली कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज आई एम डूइंग टेलीकम्यूटिंग। इट्स कॉल्ड एज टेलीकम्यूटिंग। यस यस। तो अब आप ये पूछना, जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, उनको ये पूछना, उनको खुद को भी नहीं मालूम होगा, आर यू टेलीकम्यूटिंग? ऐसे करके पूछना, ठीक है, जिनका आपको पता है कि ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, डन डन। आई होप वी आर गुड टू गो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज डाउनसाइजिंग। अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या आपको पता है कोविड के टाइम्स में सबके ऐसे जॉब्स वगैरह चले गए थे? कितने सारे लोगों को पता है कि अभी कोविड टाइम्स में बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए थे, बहुत सारे लोगों ने और कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया था। यस यस। तो आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? इसे डाउनसाइजिंग कहा जाता है। इट्स बेसिकली अ प्लान्ड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड इन अ फर्म सो दैट वो अपने जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके और जो बिजनेस है उसे और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दे। क्या बना दे? और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल, और भी ज्यादा एफिशियंट, और भी अच्छा बना सके।
अभी सपोज हमारे बिजनेस को खर्चे 10 करोड़ लग रहे हैं, तो डाउनसाइजिंग के वजह से हो सकता है ना 8 ही करोड़ लगे। यस, डाउनसाइजिंग क्या है कि जो भी ऐसे एम्प्लॉयज है जो हमें ऐसे लगता है कि ये रिप्लेस कर सकता है, मशीन इसको रिप्लेस कर सकता है, या इनका कोई खास काम नहीं है, कोई खास रोल नहीं है, नहीं भी रहे तो चलेगा, फालतू की सैलरी देने की जरूरत नहीं है, तो टू रिड्यूस द कॉस्ट वो लोग क्या करते हैं, डाउनसाइजिंग कर देते हैं। यस, अगस्त्या ने वेरी गुड एग्जाम्पल दिया है ट्विटर का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डाउनसाइजिंग। इट्स अ प्लान्ड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड इन अ फर्म सो दैट हमारे जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। Are we done? Are we good to go? Just let me know in the chat box, everyone, quickly, क्या आपको समझ आया यहाँ तक के जितने भी हमारे one liners थे, क्या आपको समझ आए? Yes? Okay, done. So the next one is outsourcing. What do you mean by outsourcing? आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? सपोज हम सब सीएस बन गए, उसके बाद हम सब ने ना एक कंपनी चालू की। वो कंपनी थी कॉफी बनाने की कंपनी, क्योंकि चाय बनाने की कंपनी तो मुझे नहीं लगता है कि प्रवीण सर हमें बनाने देंगे। यस, तो हम क्या करते हैं, हम कॉफी बनाने की कंपनी बनाते हैं। This is our coffee making company. तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉफी के लिए मग्स लगते हैं ना, जो ये ऐसे बहुत ही सुंदर दिखने वाले ऐसे ग्लासेस आते हैं, ये ग्लासेस के लिए ना, ये ग्लासेस हम किसी और को बोल देते हैं बनाने के लिए। हम उनको बोलते हैं, प्लीज भाई हम ना एक कॉफी की कंपनी है, हम ना ग्लासेस नहीं बना सकेंगे, तो प्लीज भाई आप ये ग्लासेस, आपका तो काम ही ग्लास बनाने का है, तो क्या आप मेरे लिए ये ग्लास बना के ला सकते हो? वो बोलेंगे हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो अपन क्या करते हैं, अपन उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वी गिव देम द कॉन्ट्रैक्ट कि आप साल के इतने कप्स बना के हमें दे देना। यस, सो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सिलेक्टेड फंक्शंस, जैसे हम उनको कॉफी बनाने के लिए नहीं दे रहे, हम सिर्फ उनके कॉफी मग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। हमारे कंपनी के अंदर अगर ऐसा कोई काम है जो अगर हमने किया तो हमारा बहुत टाइम भी वेस्ट होगा, और जो हमारा एक्चुअल वर्क है उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है हम सोचते हैं कि चलो यार हमारा जो ये काम है ना इसको आउटसोर्स कर देते हैं, ऐसे लोगों को ये काम सौंप देते हैं जो इनमें एक्सपर्ट है। यस, यस और नो? सो आउटसोर्सिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट अ सिलेक्टेड फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी टू अनदर कंपनी दैट कैन डू द वर्क कॉस्ट इफेक्टिवली। ऑब्वियसली अब वो तो पूरे टाइम मग्स ही बनाते तो उनको तो सस्ता ही पड़ने वाला है ना, उनके पास ऑलरेडी वो मशीन्स है, वो हमें बहुत कम में देने वाले, लेकिन अगर वही हम बनाने गए तो हमारे इतने सारे लोग लग जाएंगे और मशीन्स खरीदनी पड़ेगी और उसका सब सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम क्या कर ले, हम आउटसोर्स कर लेते हैं। यस और नो? ओके, आई होप वी आर डन, आई होप वी आर गुड टू गो। एक बार रीड आउट भी कर लेती हूँ। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सिलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू द वर्क मोर कॉस्ट इफेक्टिवली इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। चलिए, द नेक्स्ट टर्म इज R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस या गवर्नमेंट जो स्पेसिफिकली हम ना पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट दे देते हैं इन्वेंशन के लिए। चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने ये फोन देखा है या नहीं, ठीक है? ये वाला फोन, क्या आप लोगों ने ये फोन देखा है कभी?
क्या ये फोन आपके मम्मी पापा चाचा भाई बहन किसी के पास था? बहुत पहले है। देखा है नोकिया का डब्बा हुआ करता था ऐसा। अगर इसको आप 20th फ्लोर से भी फेंकते हो ना, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। यस यस, नोकिया के फोन्स बहुत ज्यादा चलते थे। जैसे अभी हम आईफोन को कंसिडर करते हैं ना, वैसे वो जमाने में, जो आज से 20 साल पहले का जमाना था, तब हम लोग लिटरली नोकिया को ऐसा मानते थे कि ओहो, इसके पास तो नोकिया का फोन है। अरे, इसके पास तो नोकिया का ये मॉडल है, वो मॉडल है। आई एम सो सॉरी। ओके ओके, उसके बाद क्या हुआ? अभी हम ये फोन्स को क्यों यूज नहीं करते हैं? दीदी पागल हो क्या? अभी ऐसा टाइप वाला फोन कौन यूज करेगा जिसमें कुछ भी नहीं है, ना व्हाट्सएप है, ना कुछ है, ना टच स्क्रीन है। हम तो भूल भी गए कि ये फोन्स यूज कैसे करना करते हैं। हम सब टच स्क्रीन वाले हैं दीदी। ये हुआ इसीलिए क्योंकि नोकिया ने उसके कंपनी के ऊपर R&D पे पैसा खर्च ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो फोन चल रहा था उसे चलने दिया। उनको कभी लगा ही नहीं कि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए और इन्वेंशन करना चाहिए और इनोवेशन लाना चाहिए। और फिर बहुत सालों बाद वो एकदम रिजिड ही थे कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारा तो ऐसे इतना माहौल है मार्केट में, हमारे ही फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं। यहीं तो वो गलत पड़ गए ना। क्यों? क्योंकि सब लोगों को इनोवेशन चाहिए होता है, इन्वेंशन चाहिए होता है। तो यहाँ क्या होता है, नोकिया अब मार्केट से बाहर हो चुका है। एंड द सोल रीजन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप आपके बिजनेस में कितना पैसा है जो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लगाते हो। तो हर एक कंपनीज में आजकल ना R&D का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होने लग गया है, जिसे हम R&D डिपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर बिजनेसेस है या गवर्नमेंट है, ये सब लोग ऐसा कुछ इन्वेंशन, कुछ इनोवेशन लाने की ट्राई करते होते हैं। यस ओके, द नेक्स्ट टर्म इज हेडक्वार्टर्स। अब हेडक्वार्टर्स का क्या मतलब है? द ऑफिस दैट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जो भी कंपनी का, देखो अब मेरी कंपनी है, चलो मेरी नहीं है, अपनी है, ये कॉफी मेकिंग कंपनी, CSET कॉफी मेकिंग कंपनी, CSET कॉफी मेकिंग कंपनी, ठीक है? हमारी जो कंपनी है, आप रहते हो मुंबई में, आप रहते हो दिल्ली में, कुछ और स्टूडेंट्स रहते हैं कोलकाता में, मैं रहती हूँ नागपुर में। तो अभी इतने सारे ऑफिसेस हैं, तो हम हेडक्वार्टर्स किसे मानेंगे? आप बता सकते हो मुझे कि हम हेडक्वार्टर्स किसको मानेंगे? हमारे तो कंपनी के जो ऑफिसेस है वो हर जगह है। कोलकाता में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर एक बड़ा ऑफिस है। मुंबई में इतने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एक बड़ा ऑफिस है। दिल्ली में भी एक ऑफिस है अपना। यस यस, तो हम किसको हेडक्वार्टर्स मानेंगे? वो प्लेस जहाँ से मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ से मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, इज कॉल्ड एज हेडक्वार्टर्स। यस यस और नो? कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हेडक्वार्टर्स मीन्स द ऑफिस दैट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज, जहां से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। वो क्या है, वो जगह क्या है, वो ऑफिस क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज द हेडक्वार्टर। यस ओके ओके, डन। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज मार्केट।
जब भी आप आपके मम्मी बाहर जा रही हो उनसे पूछ लो कहाँ जा रहे हो, वो आपको बोलेंगे मार्केट जा रही हूँ बेटा। आप कॉल करके पूछोगे मम्मी मैं घर आया हूँ, आप तो घर पे नहीं हो, कहाँ हो आप, मम्मी क्या बोलेगी, मैं मार्केट आई हूँ, मैं बाजार आई हूँ। ये मार्केट बोलो या बाजार बोलो, ये क्या है, इट्स अ प्लेस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, जहाँ पर या तो गुड्स सेल किए जाते हैं या तो बाय किए जाते हैं, या फिर सर्विसेज सेल की जाती है या तो बाय की जाती है। यस और नो, आर वी क्लियर, आर वी गुड टू गो? सो व्हाट इज अ मार्केट प्लेस? अ मार्केट इज बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। Yes, yes, okay done। जहाँ कोई भी goods या services लिए जाते हैं या खरीदे जाते हैं या तो बेचे जाते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, market बुलाते हैं। तो एक बार quickly 10 basic but important terms revise कर लेते हैं, जो कि business English में बहुत बार use होते हैं। That is first is management, business, marketing, profit, telecommuting, downsizing, outsourcing, R&D, headquarters, and the last one we studied was market. Yes? Okay. Usually इस पे questions कैसे आएंगे, अगर मैं पूछूँ dash involves working at home usually on a computer, आपको click हो जाना चाहिए work from home पे बात कर रहे हैं, मतलब इसका ही मतलब क्या है, it's telecommuting. Yes? Yes? Okay. अब आप नीचे 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 आ जाएंगे, नीचे नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि काफी सारे टर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पे काफी सारे टर्म्स दिए हुए हैं अदर टर्मिनोलॉजीज करके। अब ये बहुत सारे टर्म्स हैं, तो क्या 5 मार्क्स के लिए बहुत सारे टर्म्स पढ़ना जरूरी है? नो। अब जो टर्म सिर्फ मैं आपको कराती हूँ आपको सिर्फ वही टर्म याद रखने हैं, ठीक है? ठीक है, चलेगा? क्योंकि मुझे पता है कौन से टर्म्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ वही टर्म्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्मार्ट स्टडीज कर रहे हैं, ना कि हार्ड स्टडीज। हार्ड वर्क नहीं करना है, गधा मजूरी नहीं करना है, क्या करना है, स्मार्ट स्टडीज करना है। ओके, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे, दैट इज एजेंडा। दीदी एजेंडा को मिनट भी बोलते हैं? नो, मिनट्स अलग होता है, एजेंडा अलग होता है। यस, ओके। अब एजेंडा क्या होता है? अ प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग। कोई भी मीटिंग में हम लोग क्या चीजों पे बातचीत करने वाले हैं, वो सारी ही चीजें कहाँ लिखी होती है, ये एजेंडा के ऊपर लिखी हुई होती है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। आज हम मंताशा को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं, आज हम रश्मि को सेक्रेटरी बनाते हैं, ऐसी सारे एजेंडास पे बात होने वाली है। यस, तो ये जो एजेंडा है ये हमने पहले से ही बना लिया, और ये बनाने का काम किसका होता है, हम कंपनी सेक्रेटरीज का होता है। सो बेसिकली अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस, जो कि हम कोई भी मीटिंग के अंदर जिसपे बातचीत करने वाले, जिसपे चर्चा करने वाले हैं। यस, क्या आपको समझ आया? आर वी डन? Are we good to go? Okay. क्या आपको एजेंडा क्या है ये समझ आया? जैसे कि केवल ने कहा टू डू लिस्ट, लेकिन कोई भी कंपनी की मीटिंग में क्या क्या चीजों पे बात होगी ये कौन पहले से लिख के रखेगा, कंपनी सेक्रेटरी। ये वो ऐसा लिस्ट ऑफ आइटम बना देगी कि हम ये कम मीटिंग के अंदर सिर्फ ये 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 चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगर वो बाकी चीजों पे बात करने लग जाएंगे तो मीटिंग कब खत्म होगी, चलते ही जाएगी, है ना। तो हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है,
कि हम इस चीज के लिए मिल रहे हैं, तो जो चीजें है वो चीजें एजेंडा के अंदर लिखी हुई होती है. ओके डन. द नेक्स्ट टर्म इज असेट. असेट का क्या मतलब है? सो एनीथिंग टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड ओन्ड बाय अ बिजनेस और इंडिविजुअल. सपोज ये चश्मे, दीज आर ब्लू रेज स्पेक्स. अभी पहले तो इसकी कीमत हार्डली 2000 थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने पहन ली तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 200000 हो गई. यस. तो अगर आज ये मैं बेचने जाती हूँ तो ये कितने में बिकेगा? 200000 में बिकेगा. यस. दिस इज ओन्ड बाय मी. यस. एंड कैन मनी वैल्यू बी अटैच टू इट? यस. सो इट मे बी फाइनेंशियल और इट मे बी टेंजिबल, कुछ भी हो सकती है. इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम असेट बोलेंगे. यस. ये बॉटल क्या है? मेरी असेट है. क्या आप इसको बेच सकते हो? एब्सोल्युटली. और कितने रुपए आएंगे? हार्डली 10-20 रुपए आएंगे. यस. अच्छा, केवल बोल रहे हैं कि दीदी 200000 नहीं 2 करोड़ आएंगे. ठीक है, जैसा आप बोलो. तो एक बार अपन रीड आउट कर लेते हैं कि असेट क्या है. ऑफकोर्स आप, मैं जानती हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह, आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा. सो एनीथिंग टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड ओन बाय अ बिजनेस और इंडिविजुअल. इट मे बी फाइनेंशियल सच एज कैश. कैश भी क्या है? असेट है. फिजिकल जैसे प्लांट एंड मशीनरी, सच एज लैंड, बिल्डिंग. टैंजिबल सच एज पैटेंट, ट्रेडमार्क. और इनटैंजिबल सच एज गुडविल. गुडविल क्या है? इट इज एन इनटैंजिबल सेलेबल असेट. यस. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द सेकेंड टर्म फॉर टुडे इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होती है? बेसिकली बैलेंस शीट is the financial statement prepared at the end of the financial year. 31st March को जो हम बनाते हैं एक statement जहाँ पे हमारी assets कितनी है as on 31st March, हमारी liabilities कितनी है, पूरे साल में हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, कितनी assets है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई होती है? बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है. आई एम सो श्योर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो अभी तक आपको बैलेंस शीट क्या है ये पता चली गया होगा. सो लेट्स रीड इट आउट वंस. द फिनेंशियल स्टेटमेंट जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ पीरियड, यूजुअली द फिनेंशियल ईयर, शोइंग असेट्स, लायबिलिटीज, नेटवर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसे क्या कहा जाता है? इसे बैलेंस शीट कहा जाता है. Yes or no? Okay. Let's move forward. दूसरा जो टर्म है जो आपको पढ़ना है, that is bankruptcy. Yes. Basically, it is a legal condition जहां पे हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे इनका दिवाला निकल गया. दिवाला निकल गया, इसका मतलब ये है कि जितनी इनकी असेट्स है वो कम है और लाइबिलिटीज है वो ज़्यादा है. जो कर्ज चुकाना है लोगों को वो ज़्यादा है, और जिससे हम कर्ज चुका सकते हैं जैसे कि हमारी असेट्स, कैश, प्रॉपर्टी, ये कम है. तो जब ऐसी लीगल कंडीशन आ जाती है जहाँ कोई भी पर्सन की या किसी के भी बिजनेस की जो लायबिलिटीज है, जो कर्जा है, वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द असेट्स, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बैंक्रप्सी कहा जाता है. डेट्स आर मोर देन इट्स असेट. ओके, ऑल राइट यू गाइस. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कैवियट एम्प्टर. कैवियट एम्प्टर का क्या मतलब है? कैवियट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बीवेयर.
मैं कहती हूँ कि मैं तो यार बायर थी तो मैंने देखा भी नहीं, मुझे लगा कि मैंने 1 किलो मटर मांगा है तो मुझे 1 किलो मटर दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मटर सड़ा हुआ होगा और आप ऐसे मटर मुझे दोगे और इतने छोटे साइज के मटर मुझे दोगे। तो आप जाते हो कोर्ट के पास सिर्फ किस चीज के लिए कि आपको लड़ना है कि हमें मटर ऐसे दिए हैं। तो कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है कैवियट एम्प्टर। कैवियट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी वेयर। अगर आप खरीद रहे हो तो आप पहले खुद को सेटिस्फाई कर लो कि हाँ ये जो चीज है इसका जो क्वालिटी है इसका जो कंडीशन है बराबर है, ठीक है, हम इसको खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैवियट एम्प्टर। बेसिकली इट इज अ लीगल डॉक्ट्राइन जिसका मतलब है लेट द बायर बी वेयर, सावधान रहे, सतर्क रहे, जागो ग्राहक जागो। ये क्या है, इट इज नथिंग बट कैवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर ऑफ व्हाट ही इज बाइंग, क्या खरीद रहे वो, एंड सैटिस्फाई हिमसेल्फ बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके ओके मूविंग फॉरवर्ड, डेसोल्यूशन, वेरी इजी टर्म। डेसोल्यूशन का मतलब है द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, ऑल्सो कॉल्ड एज डिवोर्स। जब ना कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, तो इसे वाइंडिंग अप कहा जाता है कि कंपनी बंद हो रही है। लेकिन जब एक्चुअल में बंद हो जाती है, सब खत्म 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 है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डेसोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है यू गाइस, डेसोल्यूशन कहा जाता है। इट मीन्स द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिवोर्स, तलाक हो गया हमारा। यस दैट इज डेसोल्यूशन। ओके एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे दैट इज गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल बेसिकली एक ऐसी इनटैंजिबल सेलेबल असेट है। गुडविल क्या है, असेट है जो कि हो सकता है कि मार्केट में आपका नाम बहुत अच्छा है इसीलिए लोग आपसे माल खरीदते हैं, या हो सकता है कि इतना अच्छा माल पूरे मार्केट में आपके सिवा कोई और नहीं देता, तो ये क्या है, ये आपकी गुडविल है। सपोज आपका लोकेशन सबसे ज्यादा क्रीम एरिया में है, ठीक है, तो क्योंकि क्रीम एरिया में इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, तो ये भी क्या है, आपकी गुडविल है। सो रेप्यूटेशन, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, ये सारी चीजें जिसके वजह से हमारा जो बुक वैल्यू है उससे कई ज्यादा हमारा मार्केट वैल्यू बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गुडविल कहा जाता है। यस क्या आपको समझ आया गुडविल का मतलब, इट्स बेसिकली एन इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। यस दैट इज कॉल्ड एज इनटैंजिबल, ये फिजिकल नहीं है। क्रीम एरिया का मतलब है जो अच्छी एरियाज है जहां पे बहुत सारा भीड़, बहुत सारी पब्लिक आती जाती रहती है। ओके मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट वर्ड फॉर टुडे दैट इज लिबेल। लिबेल क्या है, देखो अभी इसके लिए ना आपको यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। डिफेमेशन जिसका मतलब है बदनामी, क्या आपको बदनामी मतलब समझता है। यस डिफेमेशन दो तरीके के होते हैं, एक है लिबेल और दूसरा है स्लैंडर। एक क्या है, एक है लिबेल और दूसरा है स्लैंडर। स्लैंडर क्या होता है, ये ओरल होता है, और लिबेल क्या होता है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। यस
लिबेल मतलब शायद ये रिटन फॉर्म में है या फिर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है या रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जिसे इजीली हम मिटा नहीं सकते या ऐसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था. इट इज कॉल्ड एज लिबेल. लिबेल यूजुअली रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है. और डिफेमेशन जो कि स्लैंडर का होता है, स्लैंडर मतलब क्या, अगर आपने ओरली किसी की बदनामी कर दी, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने तो ऐसा किया, इसने तो वैसा किया, तो आपके ऊपर स्लैंडर माना जाता है. स्लैंडर का मतलब है कि आपने ओरल किसी को डिफेम किया है. सो डिफेमेटरी मटेरियल इन रिकॉर्डेड फॉर्म एज अपोज्ड फ्रॉम स्लैंडर विच इज ओरल, द विक्टिम मे फाइल सूट फॉर डैमेजेस. अगर आपको खर्चे हुए हैं, अगर आपको ये जो बदनामी आपकी की है उसकी वजह से अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? यस, हम सामने वाले से कराएंगे जिसने वो बदनामी की थी. ओके, एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज MCA. MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि जितने भी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर उनको गाइड करता है, उनके ऊपर एक वॉचडॉग के जैसे रहता है, उनके जो लॉस है वो जो है वो देखता है. यस, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स होता है, वैसे ही कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनीज के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसका ध्यान रखती है, इसको रेगुलेट करती है. ये जो बॉडी है इसे क्या कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ऑल राइट यू गाइस, एंड विद दिस वी आर डन फॉर टुडे. आप जल्दी से मुझे बता देंगे कि मैं कौन सा सॉन्ग गाऊँ. और अगर आपको चाहिए है कि जैसे आज मैंने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल लिए तो मैं आपका भी एग्जाम्पल लूँ, तो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो. Yes, right here after this session. Channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya, o piya, o piya. Main fil mein teri. गम तो नहीं है, कम तो नहीं, ना 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 ना, मैंने ले लिया मेरा उछला सितारा तेरे नाम किया. चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हैव अ वेरी गुड डे अहेड. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आउट जो, सी यू टुमारो. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड लीव अ प्यारी प्यारी कॉमेंट ऑफ योर्स. इफ यू वॉन्ट मी टू टेक अ एग्जाम्पल